खुश नसीब होते हैं वो लोग जो बतन के काम आते हैं। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो बतन के काम आते हैं। बतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं हम बतन पर मर मिटने वाले को। सलाम करते हैं हम बतन पर मर मिटने वालों को। उनकी वजह से ही तो हम चैन की सांस ले पाते हैं। उनकी वजह से ही तो हम जय हिंद बंदे मातरम। यह अंतिम यात्रा का काफिला देख रहे हैं। वो आपको बता दें कि हरियाणा का रोहतक जिला का लाल शहीद सतपाल सिंह का अंतिम विदाई का वीडियो है। आपको बता दें कि यह जवान देश की रक्षा करते हुए बीते दिन 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली से लगाए गए IED की चपेट में आकर यह जवान शहीद हो गए थे। शहादत से पूरे घर पर मातम पसरा था। पूरे परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बेहद बिगड़ चुकी थी। आपको बताते चले कि यह जवान बीते कई वर्षों से लगातार देश की सेवा देते आ रहे थे। फौज के रूप में CRPF में भर्ती हुए थे, जो बीते कई वर्षों से देश की लगातार सेवा देते आ रहे थे। आपको बताते चले कि यह जवान 2018 से आनी कह सकते हैं कि 4 वर्षों से लगातार छत्तीसगढ़ में देश की सेवा दे रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि 28 सितंबर को यह जवान अपने गश्त के दौरान अपने साथियों के साथ जा रहे थे। वहां पर IED के विस्फोट होने से यह जवान मौके पर ही जवान का मौत हो गया था और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान हो गए। आपको बताते चले कि यह जवान पिता माता का छोटा कमाऊ पुत्र था, जो अपने सारा परिवार को खर्चा चला रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि यह अपने पीछे पिता माता और एक भाई और 2 बच्चे और पत्नी को छोड़कर हमारे देश के लिए स्वर्गवास हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शहीद जवान सतपाल सिंह का 2 बच्चे हैं, जिनमें से 1 पुत्र है और 1 पुत्री है। आपको बताते चले कि शहीद जवान सतपाल सिंह का बड़े भाई भी CRPF में शामिल है, जो भी देश की सेवा दे रहे थे। लेकिन अपने भाई को शहीद होने की सूचना सुनते ही वह भी मौके पर घर पहुंचे और अपने भाई का नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे। शहीद जवान का कल अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों जन सैलाब उमड़े थे और सभी नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे थे। शहीद जवान का अंतिम विदाई देते हुए पूरे रो पड़े पूरे रोहतक इलाके। शहीद जवान का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बताते चले कि शहीद जवान का जब पार्थिव शरीर इनके पैतृक वास पर लाया जा रहा था, तो लोग पुष्पमाला उनके पार्थिव शरीर पर बरसा रहे थे और सभी भारत माता की जय और वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा सतपाल सिंह तेरा नाम रहेगा नारा से गूंज उठे पूरे रोहतक इलाके। आपको बताते चले कि शहीद जवान बीते 10 वर्षों से लगातार CRPF में शामिल होकर देश की सेवा दे रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान 28 सितंबर को यह जवान के एक ऐसा दिन आया, एक ऐसा निराशजनक दिन आया, जो अपने हंसते खेलते एक पुत्र का इनके माँ पिता देश के लिए इनके बेटे बलिदान हो गए। आपको बताते चले कि शहीद जवान सतपाल सिंह का कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ सशस्त्र सलामी देकर शहीद जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के उपस्थिति में वहां पर सैन्य अधिकारी एवं नेता मंत्री सभी के उपस्थिति के साथ, पूरे परिजनों को उपस्थिति के साथ, युवा सभी भाई लोग का उपस्थिति के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार में लोगों नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे थे। बाकी में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर रोते हैं। अगर शहीद जवान सतपाल सिंह के लिए आप लोग को जरा सा भी रिस्पेक्ट होगा तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। मैं भगवान से विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद जवान सतपाल सिंह का आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहनशक्ति दे। अगर चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ताकि शहीद जवान का वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।